हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईफोन के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आईफोन SE 4 है। इसको लेकर ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है। आज की अल्ट्रा मज़ेदार वीडियो में मैं आपको आईफोन SE 4 का कंप्लीट लीक्ड स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, वो भी इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के साथ। सो विदाउट फर्दर एडू लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे हामी डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। तो आपको डिवाइस के फ्रंट और रियर दोनों में ही ग्लास का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और एल्युमिनियम का फ्रेम भी देखने को मिलेगा। मतलब भाई एप्पल का फोन है तो भाई बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। डिज़ाइन की ओर ध्यान दें तो रियर के टॉपलेट में सिंगल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी, LED फ्लैश मिलेगा और सेंटर में आपको एप्पल की ब्रांडिंग मिलेगी। मतलब भाई आईफोन SE के दूसरे जो फोन है ना उसी का सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलता है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन डिवाइस जो डेफिनेटली दिखने में गुड लुकिंग है। आईफोन का फोन है तो भाई जिसका तो ब्रांड वैल्यू अलग ही है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले की ओर ध्यान देता है, इसमें 6.1 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। भाई ये मत बोलना कि भाई HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो है ना खराब डिस्प्ले, डेफिनेटली खराब डिस्प्ले है, लेकिन एंड्रॉइड के केस में, आईफोन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो है ना आपको कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल का दे देगा। भाई कंटेंट वॉचिंग को लेकर कोई भी सबको फीस नहीं करना पड़ेगा। और 6.1 इंच का मतलब भाई सिंगल एंड यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिवाइस है ये भाई। कॉम्पैक्ट डिस्प्ले एकदम, और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज़ का हाई एंड रिफ्रेश रेट भाई, जो कि गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। मतलब भाई डिस्प्ले जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की ओर ध्यान दिए तो आपको इसमें एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4nm की फेब्रिकेशन पे बना हुआ। एप्पल का अपना कस्टमाइज चिपसेट है जिसे वो खुद बनाता है। और एप्पल का जो A16 बायोनिक प्रोसेसर है ना भाई, आपको गेमिंग मल्टीटास्किंग भाई 60fps पे 90fps पे गेमिंग ईजिली करवा देगा। मतलब भाई गेमिंग रिलेटेड कोई भी सर्विस नहीं करना पड़ेगा, एकदम पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें 3GB रैम मिलेगा 64GB स्टोरेज के साथ, 3GB रैम मिलेगा 128GB स्टोरेज के साथ और 3GB रैम मिलेगा 256GB स्टोरेज के साथ। मतलब भाई रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी की गई है। देखो भाई एप्पल का कम रैम भी ना एंड्रॉइड के ना 8GB रैम के बराबर ही होता है। मतलब भाई इसका जो 3GB रैम है ना एप्पल का, वो ना एंड्रॉइड के 6GB रैम के इक्वल होता है। मतलब भाई रैम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एप्पल यूजर क्या मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली वो समझते हैं। इसके अलावा आपको डिवाइस में LPDDR5 रैम टाइप और NVMe का रीडेट स्पीड भी देखने को मिलेगा। मतलब भाई परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर की ओर ध्यान देते पड़े इसमें iOS 16 देखने को मिलेगा भाई। और एप्पल का जो कस्टम सॉफ्टवेयर है यानी कि iOS 16 भाई, इसके बारे में क्या ही कहना भाई, एकदम सबसे ज़्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर भाई तो एप्पल के पास ही है। द अपकमिंग डिवाइस आईफोन SE 4 कम्स विद सिंगल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पे आपको 12MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा जो कि OIS के साथ आएगा और फ्रंट में आपको 7MP का कैमरा देखने को मिलेगा। आप डिवाइस के रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ही 4K वीडियो 60fps पे कैप्चर कर पाओगे। भाई अगर आपको 12MP सुनकर ये लग रहा है कि कैमरा आपको ख़राब मिला है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे, क्योंकि एप्पल का जो 12MP का कैमरा होता है ना वो एंड्रॉइड को 48, 50, 64, इवन 108MP से भी बेटर कैमरा को निकाल के देता है। मतलब भाई कैमरा क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा भाई, अच्छे अच्छे फोटो को क्लिक कर पाओगे और वीडियो कैप्चर क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा फीचर्स की ओर ध्यान दिए आपको इसमें सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिलेगा जो कि एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। मल्टीमीडिया में आपको भाई ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जिससे भाई साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पर आपको 3.5 का ऑडियो इंजेक्टर मिसिंग देखने को मिलता है, वैसे नया क्या है हमेशा से मिसिंग देखने को मिलता है। लेकिन इस बार आपको लाइटनिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, USB टाइप सी का हेडफोन टाइप देखने को मिलेगा। मतलब भाई ये मत समझना कि आप अपने अब एंड्रॉइड वाले को भी खुश कर पाओगे। USB टाइप सी भाई एंड्रॉइड का मतलब है सिर्फ एंड्रॉइड का, और iOS का मतलब सिर्फ iOS का। जो एप्पल का जो टाइप सी आने वाला है सिर्फ एप्पल डिवाइस के लिए ही रहने वाला है, एंड्रॉइड का टाइप सी आप इसमें यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब भाई मल्टीमीडिया आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। और जानते हैं कि एप्पल अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही अपने डिवाइस में किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट होने का परमिशन नहीं देता है। इसके साथ बैटरी डिपार्टमेंट की ओर ध्यान देता है, इसमें 3000mAh की बिग बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। बिग बैटरी लाइफ इसलिए ना क्योंकि आईफोन का जो ऑप्टिमाइजेशन है ना डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का होता है, जिसके कारण भाई ये जो डिवाइस है ना डेफिनेटली बैटरी एफिशिएंट है। 4nm की फैब्रिकेशन पे बना, मतलब भाई बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा निकाल के दे देगा। और एप्पल का जो बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन है तो भाई वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब भाई बैटरी आपको एक दिन का आराम से देखने को मिल जाएगा, और चार्ज खत्म भी होता भाई 15W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको USB टाइप सी देखने को मिलेगा चार्जर टाइप में, लेकिन लाइटनिंग पोर्ट तो नहीं है। लेकिन USB टाइप सी भी हर जगह यूज होने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ प्राइस की ओर ध्यान दें, इसका जो प्राइस है ना आपको 40,000 इवन 50,000 दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। अब जो एप्पल वाले डिवाइस को इंडिया में लाएंगे तो पता चलेगा कि इसका प्राइस क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन लॉन्च की बात करें तो मार्च मंथ के एंड होते होते या फिर अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च होते दिख सकता है। खैर गाइस, हम लोग देखें कि एप्पल वाले ने अपने आईफोन SE 4 को इंडिया में कब लॉन्च करते, किस प्राइस पर लॉन्च करते। लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर ये डिवाइस 40,000 50,000
की मिडिल में आया, तो क्या आप इसके लिए वेट करोगे? और आईफोन यूजर्स, क्या आपको ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा लगा या नहीं लगा? आपको इस ड्रेस को लेकर क्या ओपिनियन रहने वाला है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी लगी, ताकि हम उसके ध्यान दें, नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा बेटर इंप्रूव कंटेंट देने की कोशिश कर सकें।